अल्लामा तख्ताजानी इस बारे में कहते हैं कि तमाम मुसलमानों का इस बात के ऊपर इज्तिमा इज्मा के नस्ल इमाम वाजिब इन्नल इज्मा अन्ना नस्ल इमाम वाजिब इमाम का नस्ल किया जाना वाजिब वह अम्बल खिलाफ लेकिन जिस बात में इख्तिलाफ है वो क्या है कि अन्नहु यजिबु अलल्लाह अम अलल खल्क इमाम का नस्ल किया जाना वाजिब इख्तिलाफ किस बात में है कि ये वाजिब खुदा के ऊपर है या खल्क खुदा पर है इमाम को खुदा मुकर्रर करेगा या लोग मुकर्रर करेंगे और फिर अकलन और समान नस्ल इमाम अकलन वाजिब है या समान इसमें इख्तलाफ फल मजहब अशायरा का मजहब यह है क्योंकि तख्ताजानी खुद उसी मरतबे फिक्र की नुमाइंदगी करते थे लिहाजा अपना नुस्खे नजर कोई बयान करते हैं फल मजहब अन्नहु वाजिबुन अलल खल्क अशायरा का कहना यह है कि इमाम का नसब किया जाना वाजिब है लेकिन ये वजूद खुदा से मौजूद नहीं है बल्कि मखलूक से मौजूद है लोग मुकर्रर करेंगे और आगे वो कहते हैं कि ये समान क्योंकि रसूल ने कहा लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये कहा मम माता वलम जारी इमाम जमाने ही माता में कतन जारी किया जो अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए वो कुफर की मौत मरता है जाहिलियत की मौत मरता है क्योंकि रसूल का ये इरशाद मौजूद थे इसलिए समान वाजिब है इस इरशाद की रोशनी में लोगों पर वाजिब है फिर आगे वो इंतहाई खूबसूरत दलील देते हैं लिजा अद्दमूहु अला दफ्न नबी इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पैगंबर इस्लाम वफात पा गए तो लोगों ने ईमान के इंतकाल को मुकद्दम समझा और रसूलुल्लाह के दफन करने को फिर जरूरी समझा उसे दर्ज किया और पहले एक ईमान को नसब करना जरूरी समझा रसूलुल्लाह को मुस्तफारा बेकफन दिलदारशन तो ये उन्होंने किया इसके जवाब में उलमा इमामिया ये कहते हैं क्या अगर एक लम्हे के लिए फर्ज किया जाए कि ये लोगों पर वाजिब जवानों बच्चे तादाद की दलील जहन में रखें क्योंकि जो आपका अकीदा है उस अकीदे के बारे में एक आध इजमाली दलाइल आपके जहन में जरूर होना चाहिए अगर एक लम्हे के लिए फर्ज किया जाए कि लोगों पर वाजिब है तो उसमें कई दिक्कतें पेश आती हैं ये जो पैगंबर इस्लाम का इरशाद है मम मातर वलम जारी इमाम जमान ही मातम कसम जाहिलिया इमामत के बारे में इस एक इरशाद के अलावा पैगंबर इस्लाम का कोई और इरशाद नहीं कोई और रिवायत पैगंबर से मर्जी ही नहीं इस एक रिवायत के ऊपर इंकार है इस रिवायत से ये साबित होता है कि जमाने में पूरे जमाने में सिर्फ और सिर्फ एक इमाम मुमकिन है मम माता वलम जाए इमाम जमाने जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने इस पूरी इबादत का मफहूम यही निकलता है कि पूरे जमाने में सिर्फ एक इमाम का वजूद हो इस मफूजे को मान लेने के बाद अब आइए अमलन आप इसका तजिया करें क्या लोग जमाने भर के लोग दुनिया भर से
किसी एक इमाम के इंतहा पर कुदरत रखते हैं, क्या इसका इंकार है कि सारे लोग मिलकर एक शख्स का इंतहा करेंगे? लोग अगर मुंतहब करेंगे तो अपने इलाके से किसी को करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क से किसी को करेंगे, लेकिन जमाना सारे आलम के ऊपर मुहित है। जमाना एक रवा हकीकत का नाम है जो पूरे पूरे अर्ज पर मुहित है। पूरे पूरे अर्ज पर बसने वाले इंसानों का किसी एक आदमी के इंतहा पर मुत्तफिक हो जाना ये अमलन नामुमकिन है। मदीने की बहुत मुख्तसर सी सोसाइटी, तारीख आपके सामने, मदीने की उस मुख्तसर सोसाइटी में जब खलीफा या इमाम के इंतखाब का मरहला आया तो क्या सूरत हाल सामने आई? सूरत हाल जो सामने आए कि साथ उसने उबादा जो अंसार की नुमाइंदगी कर रहे थे और उस चबूतरे के ऊपर बीमारी के आलम में लेटे हुए थे, जो मंजूर नजर जिसका इंतखाब मंजूर था बाद हजरात को, उन्होंने अपने अपनी पसंद के फर्ज को मुंतहब करने की नीयत से साजिद ने उबादा को अपने पांव तले रोका और एक हामी जोश में आगे बढ़े, साथ साथ अगर तुमने ज्यादा ऐतराज किया, ज्यादा बातें की तो तुम्हारी धर्म खींच लूंगा। बनी हाशिम और उनके चाहने वाले पैगंबर इस्लाम से दौलत शरा ने उनकी तहजीब और उनकी तहजीब के इंतजाम मजबूत, यानी बैक वक्त मदीना की छोटी सी सोसाइटी में तीन ग्रोह सामने आए और तीन ग्रोह जो उस वक्त सामने आए उसके अपराध आज तक बल्कि आज से कयामत तक बाकी रहेंगे। तो इसलूम पर माना जाए कि सारे जमाने के लिए एक इमाम का इंतखाब लोग करेंगे, इस बात का सिरे से इंकार नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल की तरफ से एक ऐसी तकलीफ मखलूक को नहीं दी जा सकती, तकलीफ के ऊपर अमल करना उनके बस में मौजूद ना हो। ये एक दलील इस्माइली। एक दूसरी इंतहाई अहम आसानी से आपके जहन में आने वाली दलील आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये जो अकीदा है महदवियत का, आखिरी इमाम का, ये तकरीबन सारे मुसलमानों का मुत्तफ़ा अकीदा है। इस ऊपर इत्तेफाक, सारे मुसलमान तकरीबन इस अकीदे को अपने ईमान का जुर्म समझते हैं कि आखिर में एक शख्सियत ऐसी आएगी जिसके आने के बाद दुनिया से नाइंसाफियां ना हमारियां खत्म हो जाएंगी। और सही बुखारी में बड़ी वजाहत के साथ इन अल्फाज में आखिर ईमान की आमद की पेशेंगोई मौजूद है कि कयामत के आने में अगर एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला उस एक दिन को इतना भूल देगा कि उस एक दिन में आखिर इमाम जाहिर होंगे और वो दुनिया को इस तरह अज्र इंसाब से कुल करेंगे जिस तरह वो दुनिया लोगों से कुल हो चुकी हो। यहां तक सबका इत्तेफाक। अब जो बात मैं अपने नौजवान दोस्तों को कन्वे करना चाहता हूं, उनके जहन में डालना चाहता हूं, वो ये कि उसका इंतहा कैसे होगा? उस आखिरी इमाम के इंतहा का कोई तरीका इस्लामी दुनिया में आज तक किसी ने दावा नहीं किया कि मौजूद है। उनके आमद का सब यकीन रखते हैं, पैदा हो चुके हैं, तब भी आएंगे, पैदा होंगे और फिर आएंगे, तब भी आएंगे, जाहिर होंगे। इस अकीदे का सत्ता इंतजाम में, लेकिन उसका इंतजाम के ऊपर होगा
कौन लोग होंगे, कौन से इदारे होंगे जो आखिरी ईमान का तालीम करेंगे, इसका दावा किसी ने नहीं किया। जब दावा नहीं किया तो एक हमारा ही दावा सामने रह जाता है कि वो खुदा की तरफ से हैं, पैदा हो चुके हैं, और जब खुदा की मशीयत होगी और दुनिया के हालात का तकाजा होगा वो तशरीफ लाएंगे। आखिरी जब खुदा की तरफ से मुस्तहक हैं और खुदा की तरफ से आएंगे तो अव्वल के इंतहाप हम लोगों को किस तरह से दिया जा सकता है। बोया आखिरी इमाम जो है वो सबसे पहले किस बड़ी हकीकत को साबित करेंगे दुनिया में, अपने जुहूर के जरिए, अपने मुबारक वजूद के जरिए। वो हकीकत यही होगी कि जिस तरह आज मैं आखिर में खुदा की तरफ से आया हूँ, मेरे जब से अमजद जी पहली बार खुदा की तरफ से तशरीफ लाए थे। यही मफहूम है पैगंबर इस्लाम के इरशाद का, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुलुना मोहम्मद। अगर आखिर वाला खुदा की तरफ से है तो पहले वाले को कोई इंसान क्यों तरफ कर सकता है। आखिरी एक दलील, ये तीन बातें आखिरी दलील ये है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे कायम के बारे में यही सबूत तुम्हारे लिए काफी होनी चाहिए कि कुरान मजीद कयामत तक के लिए है और सूरह फजर कुरान मजीद की एक सूरत है, एक सूरह है। सूरह फजर में क्या आखिर में यह आता है, तनज्जुल मलाइका वर रूह की, मलाइका एक शख्स में उतरते रहते हैं सलामती के पैगाम के साथ। ये किसी एक विशिष्टा शब कदर की कहानी बयान नहीं हो रही। शब कदर जब भी आएगी कयामत तक, जब भी शब कदर आएगी फरिश्ते खुदा की तरफ से उमूर लेकर आएंगे, मामला लेकर नाजिल होंगे। सवाल आपके जहन में ये पैदा होना चाहिए कि वो मलाइका किसके पास आते, किसके पास आते, क्योंकि इस बात का ही कोई और मुद्दई आज तक सामने नहीं आया है। जब कोई और मुद्दई सामने नहीं आया तो हमारा ही दावा सामने रह जाता है। यही तो हम कहते हैं कि मलाइका आते हैं इमाम जमाना के पास, तमाम उमूर लेकर आते हैं। वो उमूर आने वाले वक्त के तमाम मामला से मजबूत होते हैं और फिर उनको उमूर देकर, ऊपर के उमूर देकर और इधर से जितने उमूर साहिब अमर के पास जमा हो चुके हैं उन तमाम उमूर को खुदा की तरफ देकर वो परवाह करते हैं। ये एक नाम है कुदरत का जो चला है, जो इस बात का सबूत है कि ये इमामत का उदर जो है ये लोगों के बस का नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत को आम करने में से राइज करने और अपने बंदों के ऊपर लुत्फ करते हुए इस निज़ाम को मुकर्रर किया है। तो इस निज़ाम हिदायत में आखिरी इमाम का वाकई बकिया आइमा से ज्यादा अहम हो, मरतबे और मकाम में फर्क नहीं है याद रखिए, लेकिन रोल में ज्यादा फर्क है। अमीर अल मोमिनीन वो कुछ नहीं कर सके जो आखिरी इमाम करेंगे, हत्ता कि इमाम हुसैन भी वो कुछ नहीं कर सके जो आखिरी इमाम करेंगे। इन तमाम के अदवार में जुल्म रहा, फिस्क रहा, फजूर रहा, ताहूत का वजूद रहा और हक परस्त इंतहाई शिकंजे में रहे। ये आखिरी इमाम का खासा है कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो दुनिया अदल इंसाफ से भर जाएगी। जब अदल इंसाफ दुनिया में कायम हो तो अदल इंसाफ की पहली बरकत ये होती है कि उसमें फ़क्र और एहतियात बाकी नहीं रहता, कोई किसी का मुख्ताज नहीं होता। कुदरत के पैदा करदा वसाइल में हर एक को अपना हिस्सा मिल जाता है। क्यों अदल इंसाफ के बयान की बदौलत दुनिया में सिर्फ हक और हकीकत का चलन होगा, बाकी जिस शक्ल में भी हो उसका खात्मा होकर रह जाएगा।
ये इमाम ज़माना के खसाइस में से सबसे बड़ी खुशियत है जो सिर्फ उन्हीं को हासिल होगी। इसीलिए इमाम जाफर सादिक हों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हों या इमाम हसन अस्करी हों, हर इमाम ने आखिरी इमाम के हवाले से अपने चाहने वालों को खुशखबरी दी है। हमारे डॉक्टर साहब ने इशारा किया, मैं भी सिर्फ इशारा करके गुजर जाता हूँ। सिर्फ पैगंबर के दौर में लोगों को इंतजार नहीं था, जब लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आए और कुफार के मुशरिकीन के इस्तेमाल के डर से तलवार घात को दरमियान में रख कर उन्हें सोना पड़ता था, तो ऐसी जिंदगी से लोग तंग आते थे और पूछते थे क्या कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि हमारी जिंदगी की ये रंग बदल जाए और हम चैन की नींद सोया करें। तो उस वक्त कुरान ने कहा कि जिस तरह माजी में हुआ है तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, अल्लाह का वादा पूरा होगा और तुम्हारी बेसुकूनी सुकून में बदल जाएगी। वक्त के लिए बदलाव नहीं कर सकता। यही बशारत हर इमाम आखिरी इमाम के हवाले से अपने चाहने वालों को देते रहे कि तुम्हारी ये परेशानियां एक दिन दूर हो जाएंगी। ये हमारे नाथान सुना रहे थे ना कि आएंगे इमाम, यकीनन आएंगे, तो उस वक्त हमारी ये मजबूरियां, हमारी ये बेबसियां सब के सब खत्म हो जाएंगी। और आपने जो इंतजार सर्द की हालत में किया है उस सर्द का खात्मा हो जाएगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे जाल हकू बल हाल बातिल इन बल बातिल आसान लहू का।